के खत्म नहीं कर पाओगे, इतना सारे स्टॉल है, इतना सारे खाने का स्टॉल है, लेडीज लोगों को साधने का स्टॉल है, कॉस्मेटिक का स्टॉल है, बहुत सारे स्टॉल है, वैरायटी टाइप का स्टॉल है, डिफरेंट टाइप का स्टॉल है। आप लोग देखते देखते थक ही जाओगे। पान का भी दुकान है, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ मिलेगा। इतना सारा शो है, मुझे मालूम नहीं है आप लोगों का बात बहुत सारे देखते देखते थक ही जाओगे। जब भी स्टॉल मेरा में घूमने आएंगे ना आप लोग, तो थोड़ा खा के आ जाइए, क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉल है, घूमते घूमते शायद थक भी जा सकते हो, भूख भी लग सकता है। अब भूख लगेगा तो बहुत सारे स्टॉल है, खाने का बहुत स्टॉल है, खा भी सकते हो आप लोग। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, सच में इतना बड़ा मिला है, इतना सारा स्टॉल है, और बहुत सस्ते यहाँ पे मिल रहे हैं, सस्ते में सब कुछ मिल रहा है, बहुत ही सस्ते में। देखिए ब्लेजर 700 रुपये का, क्या बोलिए। बहुत सारे स्टॉल है, बहुत जगह जगह से आए हैं, बहुत दूर दूर से भी स्टॉल लेके आए हैं, ये सोपुर से आए हैं, बहुत सारे मेदनीपुर से आए हैं, बहुत सारे स्टॉल से आए हैं। ये देखिए फोल्डिंग टेबल है, যখন দরকার হবে তখন চার আদমি কে বসতে গেলে ফোর ফোর টেবিলে এটাকে আপনারা সেন্টার টেবিল বানাতে পারবেন, এটাকে বেঞ্চ বানাতে পারবেন, টু সিটার বহুত আচ্ছা চিজ আছে, যখন দরকার তখন ইউজ করো, যখন দরকার তখন ইয়া মারা যায় সব কিছু কাম নিয়ে কার্পেট কর স্টল है। भाई देखते देखते थक जाओगे। ये देखो यहाँ पे फर्नीचर का भी शॉप है, फर्नीचर शॉप है, साथ में साथ रेफ्रिजरेटर, सब कुछ मिला के स्टॉल है, तो देख ही सकते हो, बहुत सारे फर्नीचर ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा है, तो बहुत बड़ा मेरा एकदम, तो सब कुछ मिलेगा। Thank you.
ट्रे है सब का। ये डाइनिंग टेबल है, बहुत सारे डाइनिंग टेबल ऑप्शन भी है। यहाँ पे पुराना फर्नीचर एक्सचेंज कर सकते हैं आप लोग आके, कुछ भी पुराना एक्सचेंज करके आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे एसी है, एसी मुझे मालूम है एसी पुराना चीज होगा क्या। यहाँ पे लिखा है सिर्फ पुराना फर्नीचर भी आप लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, बाकी तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ फर्नीचर में आपको एक्सचेंज का ऑप्शन है। सच में इतना बड़ा मेला आप शायद कोलकाता में भी देख नहीं पाएंगे, इतना बड़ा मेला है, सच में बहुत बड़ा मेला है। मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तो सच में थक जा रहा हूँ, यहाँ पे घूमते घूमते थक ही जा रहा हूँ। इतना बड़ा मेला है, इतना बड़ा मेला। हुआ है ये मेला और ये मेला रहेगा 8 डेज रहेगा, 28 से 8 डेज रहेगा। तो आप लोग लोकेशन आना, लोकेशन में देखना चाहते हो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप लोकेशन में देख के आ सकते हैं इस पानीपुर मेला को। मैं बाद में लोकेशन में आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। तो ये लोकेशन एकदम ज़्यादा दूर नहीं है, कोलकाता 45 ऐसा किलोमीटर होगा। तो उससे आप लोग घूम के जाइए, बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे घूम के। फिलहाल सच में यार इतना स्टॉल है, इतना स्टॉल पे घूम के ही मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगा, इतना स्टॉल है। बट ये यहाँ पे ऑप्शन बहुत है, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे मिल सकते हैं, और जो भी आप लोग को चाहत है वो भी मिल सकता है, सब कुछ एवरीथिंग और कुछ मिल और सेटअप और थिंग्स काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आप लोग को यहाँ पे मिलेगा।
बैग वगैरह लेके सब कुछ एवरीथिंग ए टू जेड सब कुछ आप लोग को यहाँ पे मिल सकता है एकदम 100% गारंटी। सच में बहुत ही स्टॉल है, आप लोग को इतना सारे स्टॉल है घुमा के दिखा नहीं सकता हूँ, इतना सारा स्टॉल है सच में यार, बहुत सारे। आप एक दिन में इतना स्टॉल इतना पूरा मेला घूम नहीं सकते हो, तो आप लोगों के साथ एक दो दिन तो टाइम लगेगा ही, तो यही बात है। हम लोग छोटे में जब था ऐसा लकड़ी का जो गाड़ी होता है ना ऐसा कार लेकर हम तो खेलते थे, देखा ये भी आज तक भी यहाँ पे ऐसे ही बेचते हैं। और ये मेला बहुत पुराना मेला है, तो ऐसे नहीं हम लोग जब छोटे थे उस समय काल से ये मेला चल रहा है, तो ये मेला ज़्यादा न्यू मत बोलिए, बहुत पुराना मेला है। बोलो क्या बोलूँ, बहुत सारे स्टॉल है, बहुत मैं गिन के बोल नहीं सकता हूँ इतना सारे स्टॉल है सच में। स्टॉल है गिन के बोल नहीं सकता हूँ इतना सारा स्टॉल है, और साथ में इतने सारे राइड है, तो राइड को आप लोग चढ़ सकते हैं एंजॉय कर सकते हैं। और राइड बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे राइड ऑप्शन है बच्चे लोगों के लिए बड़े लोगों के लिए, सब कुछ अच्छा ही चीज़ है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, मास्क पहन के आना, मेरे को बहुत सफोकेशन हो रहा है, मास्क पहन के जरूर आना। बहुत भीड़ है और मैं ऐसा भी कहीं कोलकाता मेला में नहीं देखता हूँ, बहुत सारे स्टॉल है। मेरा पीछे देखे कितना सारे स्टॉल है, मतलब गिन नहीं सकते, ऐसा बहुत सारे स्टॉल है यार। और इतना सारे राइड है, इतना सारे राइड ऑप्शन है, मतलब क्या बोलूँ यार, बहुत अच्छा है, बहुत ग्रेट। पानीपुर का मेला ये बहुत अच्छा मेला है, बहुत अच्छा पानीपुर मेला है। मैं बहुत दिन बाद आया हूँ, फिर भी इससे पहले भी आया था, इतना सारा स्टॉल नहीं था, लेकिन इस बार देखा बहुत सारा स्टॉल खुल गया है, और साथ में साथ बहुत सारे राइड ऑप्शन भी खुल गया है, और बहुत सारे खाने का स्टॉल भी खुल गया है, और बहुत सस्ता भी सब यहाँ पे मिल रहा है, सब कुछ सस्ता मिल रहा है, बहुत ही कम पैसे। देखिए बच्चे ले रहे हैं, तो क्या बोलूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, एक्सेलेंट। तो चलिए मैं आप लोग को मौत का कुआं दिखाता हूँ आज, ये सारे तो हम लोग को देखते ही हैं, लेकिन मौत का कुआं हम लोग का सबसे बड़ा बेस्ट चीज़ है, हम लोग को लगता है, और आप लोगों को लगता है मौत का कुआं मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप लोगों को लगता है तो डिस्क्रिप्शन में या मैं दे दूँगा, और बोलिएगा मेरा कमेंट से बोलिएगा मौत का कुआं आप लोगों को कैसा लगता है, ठीक है। चलिए हम मौत का कुआं के लिए टिकट करते हैं, कितना टिकट है देखते हैं, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग मौत का कुआं से ऊपर उठ रहा हूँ, चलिए हम लोग को आप लोगों को दिखाते हैं।
कहाँ से कैसे लगता है देखते हैं कैसे हम लोग उठेंगे भी रहता है बाइक भी रहता है या फिर अंदर में घूमेगा तो जब स्टार्ट होगा टाइमिंग होगा टाइमिंग स्टार्ट हो गया टाइम होगा देखिए कितना लोग देखते हैं तो आने दीजिए स्टार्टिंग उसके बाद आप लोगों को दिखा दें अभी फुल पावर लेके आप लोगों को दिखाएंगे बाद में स्टार्ट होने दीजिए अभी मौत का कुआं स्टार्ट हो रहा है आप लोग सब लोग देख लीजिए सब लोग खिलवाड़ सब निकल रहे हैं सब अभी जा रहे हैं चार बाइक तो मारुति कार
लिए दो पास ज़्यादा एक हाथ लगाते चल रहे हैं। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा खेल दिखाया, बहुत ही अच्छा लगा। तो आज के लिए ये बहुत तकवा का खेल ख़त्म। तो चलिए बाय बाय, बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। मेला का व्यू ऊपर से देखिए, ऊपर से मेला का व्यू इतना बड़ा मेला है, जब देख रहे इतना बड़ा मेला। वहाँ पे ये देख समझ में नहीं आ रहा है इस मेला का, इतना बड़ा मेला है। तो आप लोगों को मेला कैसा लगा प्लीज कमेंट पे बोल दीजिएगा। ये पानीपुर मेला का कैसा लगा प्लीज मुझे शेयर कर दीजिएगा कमेंट्स में, और वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर। ठीक है, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर, और साथ में बेल आइकन भी दे दीजिएगा सब्सक्राइब के साथ। ठीक है, तो चलिए एक जगह में जाकर आप लोगों के साथ थोड़ा और एक बात करेंगे। बात करने के बाद मैं ये वीडियो यहाँ पे मैं ख़त्म करूँगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा साइड में जाके आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों एक बात बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे आप जब भी आइए कार या बाइक लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग ऑप्शन भी है, बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन राइड है, आप लोगों को देखा है इतना सा स्टॉल है, एक दिन में घूम नहीं सकते, एक दो दिन तो टाइम लगता है। और एक दिन में घूमने हैं तो आप दोपहर से आ जाइए, दोपहर भी खुला रहता है, दोपहर भी आप मेला में आ सकते हैं। मेला ऑल टाइम खुला रहता है ऐसे ही यहाँ पे, तो आप आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब आज का दिन लेके 28 तारीख को स्टार्ट हुए, तो आज का दिन लेके आपको तो मेला आज कितने तारीख है, आज 29 तारीख है, तो आज एक दिन हो गया है ऑलरेडी, आज सेकेंड डे है, और 6 दिन आपका ये मेला रहेगा। आज 29 तारीख है, 6 दिन रहेगा, तो उस कुल मिला के आप तो टाइम निकल के आ सकते हैं। तो प्लीज़ आ जाइए, घूम के देख लीजिए, बहुत ही अच्छा मेला है। और मैं मेला का लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरा डिस्क्रिप्शन आप लोग को मिल जाएगा लोकेशन, मैप का लोकेशन का लिंक भी हम दे देंगे। सो आप लोग आ जाइए, घूम के जाइए, बहुत अच्छा लगेगा, सच में अच्छा लगेगा। ऐसा मेला कभी आप